हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज के इस वीडियो के लिए मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ कंगना रनौत का ये मेकअप लुक। तो इस मेकअप लुक के लिए मैंने लिया है ये साड़ी, और ये साड़ी कलर थोड़ा चेंज है बट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने ये साड़ी सेलेक्ट करी है। और ये इयररिंग मैं वेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो के लिए, एंड ये कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो इस लुक के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, और सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया है इनसाइड का प्राइमर, और प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे हमारे जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, तो हमारा मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब मैंने लिया है यहाँ पे फाउंडेशन के लिए फिट मी फाउंडेशन, और इसे मैं सबसे पहले डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प कलर है, डार्क ब्राउन कलर है थोड़ा सा, और इससे मैं अपने चिक्स में कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। बेसिकली मैं इसे अपने जो हॉलो ऑफ चिक होता है वहाँ पे इसे लगा रही हूँ, थोड़ा सा इसे अपनी जॉ लाइन पे लगा रही हूँ, और थोड़ा सा इसे फोरहेड पे, और लास्ट में मैं फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी इस तरह से। और अब मैंने सेम कलर ब्राउन कलर ही लिया है अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, क्योंकि जो कंगना रनौत का मेकअप लुक है इसमें आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, तो मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ आज, इससे हमारी आईज़ बहुत ही नेचुरल दिखाई देती हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर, पीची पिंक कलर है। कंगना का जो मेकअप लुक है इसमें आई मेकअप उतना ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने अपने हिसाब से अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग एक मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पिंक कलर जो लिया है इसे मैंने अपने पूरे आई लिड पे अच्छे से लगा लिया है, और लास्ट में मैंने बस एक शिमर आई शेडो लिया है सिल्वर कलर का, और इससे मैं अपनी जो हमारी जो आई लिड होती है उसे मैं इनर आई लिड्स की तरफ से बस मिड आई लिड तक मैं इसे लगा रही हूँ। आप देखोगे दो स्टेप में बहुत ही ब्यूटीफुल आई मेकअप क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे अब मैंने लिया है लैक्मी का आई लाइनर, और इससे मैं अपनी आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है हाईलाइटर वेट एंड वाइल्ड से, और मैं ब्लश इस्तेमाल करना भूल गई थी पहले, तो पहले मैंने हाईलाइटिंग कर लिया अच्छे से, इसके बाद फिर मैं आगे ब्लश लगाऊंगी। तो इस तरह से एकदम भर भर के मैंने हाईलाइट किया है आज। अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्लश के लिए शुगर का, और अभी मैं इसके बाद ब्लश लगा रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा लेंगे, थोड़ा सा मैं अपने जो ब्रोवन होता है उन्हें हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया है मस्करा मेबलिन से, तो अच्छे से मैं अपनी अपर लैश लोअर लैश दोनों को कोट कर लूँगी मस्करा से। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक के लिए लिया है ये भी स्विस ब्यूटी का, और इस तरह से मैं इस लिपस्टिक को लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ही मेकअप फिक्सर, इससे मैं पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो ये है पूरा मेकअप लुक, चलिए देखते हैं अभी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब, और ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।